भारत के शहरों में पानी की कमी आम समस्या है। ये साल परीक्षा ले रहा है। एक दशक बाद मानसून ने मुंबई पहुंचने में 10 दिन से ज्यादा की देरी की, लेकिन असल दिक्कत कहीं और है। ये शहर है चेन्नई। चेन्नई में भारत के किसी भी मेट्रो शहर से ज्यादा जल स्रोत हैं, ज्यादा बारिश होती है। बावजूद इसके चेन्नई को पानी देने वाली हर झील या तो सूख चुकी है या सूखने के कगार पर है। चेम्बर, मुबक्कम, पूंदी, रेड हिल्स और चोलवरम झील में नाम का पानी रह गया है। चेन्नई की कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से दफ्तर ना आने को कहा है, क्योंकि पानी नहीं है। पानी के टैंकर टोकन के हिसाब से मिल रहे हैं, ऐसे दामों पर कि गरीब का दम निकल आए। तो वो पानी भरने के लिए चाकू चला रहे हैं। शहर के रेस्तरां हफ्ते में 3-3 दिन तक बंद रह रहे हैं, क्योंकि रोज खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं है। तमिलनाडु के ही शहर कोयम्बटूर में हालात और खराब हैं। यहाँ की सेल्वा चिंतामणि तालाब में पानी की कमी से मछलियां मरने की खबर आई। कोयम्बटूर नगर पालिका के सामने प्रदर्शन हुआ तो पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 450 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। इसमें कई डीएमके के कार्यकर्ता थे। लेकिन ये बात भी सही है कि अरसे बाद राजनीतिक पार्टियां गिरफ्तारियां दे रही हैं और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यानी सबको समझ आ रहा है कि स्थिति गंभीर है। इस पूरी बातचीत में आप चेन्नई या कोयम्बटूर की जगह अपने शहर का नाम भी लगा सकते हैं। या तो आपके शहर का हाल ऐसा होने वाला है या जल्द हो जाएगा, अगर सरकारों ने और समाज ने कुछ नहीं किया। हमने मानसून का जिक्र किया, कितना लेट है मानसून। भारत में दक्षिण पश्चिम यानी कि केरल की तरफ से आने वाली मानसून की हवाएं सबसे ज्यादा बारिश लेकर आती हैं। इस साल यही मानसून मार खा गया, कम से कम एक हफ्ते की देरी से आया है। लेकिन समस्या देरी भर नहीं है। जून में बारिश 58% के आंकड़े पर पहुंची। जून के बाकी बचे दिनों में भी ये आंकड़ा 60% के आसपास रहने की उम्मीद है। पूरे सीजन में बारिश 93-96% रह सकती है। अब आप कहेंगे 100 में से 93 का आंकड़ा कौन सा बुरा है, तो यूं समझिए कि ये लगातार तीसरा साल होगा जब भारत में सामान्य से कम बारिश होगी। यानी पिछले बैकलॉग को पूरा नहीं कर पाए और इस साल के कोटे में भी कटौती हो गई। देर से बारिश और कम बारिश का सीधा मतलब है किसान खेत कम बोएगा। कम बोएगा तो कम काटेगा, कम कमाएगा तो कम खर्च करेगा। 14 जून तक के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में 9% कम इलाके में बुआई हुई है। तेलंगाना सरकार ने अपने किसानों से कहा है कि खरीफ की फसल को थोड़ा रुक कर बोएं। पंजाब और हरियाणा की सरकारें किसानों को आर्थिक मदद की एवज में धान बोने से रोक रही हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। दर्दनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देश की आधी आबादी किसी न किसी तरह से खेती पर निर्भर है। इनके पास पैसा कम है और अगर इनके पास पैसा कम है और भी, तो पूरे बाजार में मंदी आ जाती है। और 2019 में मंदी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि FMCG यानी इस तरह के उत्पाद जिनको हम डेली इस्तेमाल करते हैं, जो तेज़ी से मूव होते हैं, फास्ट मूविंग, टूथपेस्ट, साबुन, ये तक नहीं बिक रहे। और ये हाल तब है जब बारिश का पहला महीना पूरा भी नहीं बीता। और लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करें, कारों की बात करें, तो नामचीन कार कंपनियों की प्रोडक्शन यूनिट बंद चल रही हैं, क्योंकि बाजार में डिमांड नहीं है। अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि अनाज की कीमतें भले न बढ़ें, लेकिन सब्जियों की कीमतें आने वाले दिनों में ऊपर जा सकती हैं। अब आप पूछेंगे तो करें क्या? इस समस्या के लिए रॉकेट साइंस लगाना नहीं है। सारे उपाय बड़े आसान और सुलभ हैं। एक आम आदमी क्या कर सकता है? फव्वारे की जगह बाल्टी से नहाए, नहर की जगह स्प्रिंकलर से सिंचाई करे, गाड़ी धोने की जगह कपड़ा मारे, यानी कि पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत करे। किसान क्या कर सकते हैं, इस पर बहुत विस्तार से एक दिन एक एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लें कि जो फसलें ज्यादा पानी खाती हैं, जैसे गन्ने की फसल, जैसे धान की फसल, अब उनके विकल्प सोचने का वक्त आ गया है। बाकी तरीकों के लिए आप इंटरनेट पर किसी भी सर्च इंजन का सहारा ले सकते हैं, ले ही लीजिएगा, क्योंकि नहीं लेंगे तो पानी पर निबंध में वो लाइन नहीं लिख पाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, क्योंकि जैसा चल रहा है, अगर वैसे चलता रहा तो बहुत संभावना है कि तीसरा विश्व युद्ध हो भी नहीं पाए, क्योंकि प्यासे तो आप लड़ नहीं सकते। अर्पण तर्पण तो बात की बात है।